सेल्फी चाहिए तुमको? देखो तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं ए कॉमा बी। ए है रियल पार्ट ऑफ सेल, ए क्या होता है रियल पार्ट ऑफ दैट वो ए है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर के। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट है बी, पार्ट को इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी नंबर। तो ये है आपका रियल पार्ट ऑब्जेक्ट, ये इमेजिनरी पार्ट ऑब्जेक्ट ऑर्डर पेयर क्या। तो ये पॉइंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस बी। ये डिस्टेंस होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए ओरिजिन, वो होता है मॉड्यूलस, ठीक है। और ये जो एंगल है जो इन्होंने इस लाइन है वो की लाइन है रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया है, रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट बीटा को आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं ए आर जी ऑफ जेड बीटा। अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो बहुत सारे होते हैं, जैसे किसी ने यहाँ से मेजर किया, अगर कोई यहाँ से मेजर करेगा तो 2π + θ, 4π + θ, 5π + θ, बहुत सारे होते हैं ना, तो आर्ग्यूमेंट भी बहुत सारे होते हैं। एक तो होता है जनरल आर्ग्यूमेंट, जैसे सॉल्यूशन हम लोग नहीं लिखते थे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, जैसे यहाँ पे जनरल आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है 2n π + θ, ठीक है, हर 2π के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है। चलिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है -π से π जो भी एंगल है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, 0 से 2π। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव, समझ गए? Yes, yes. तो ये आर्गुमेंट समझ आया, मॉड्यूलस समझ आया, रियल एक्सिस से डिफरेंस और इमेजिनरी एक्सिस से डिफरेंस समझ गए आप लोग? Yes. अगर आप मॉड्यूलस, ये डिस्टेंस ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस, मैं अभी ये डिफरेंस लिख पा रहा हूँ ओरिजिन से ये पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिएगा, आपने वेक्टर पढ़ा ना, yes. वेक्टर का पूरा यूज करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें चाहिए आपको, क्या क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यहाँ भी दोनों चीजें। मैग्नीट्यूड मतलब ये मॉड्यूलस और डायरेक्शन मतलब आर्ग्यूमेंट। हर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास दो चीजें चाहिए, डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है आर्ग्यूमेंट एंगल पे, और मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पे क्या है मॉड्यूलस। अब 0 + 0 आयोटा एक ऐसा नंबर है, 0 + 0 आयोटा जिसका आर्ग्यूमेंट डिफाइंड है, आर्ग्यूमेंट नॉट डिफाइंड। ये अकेला एकमात्र ऐसा ओनली एक ही ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम सिर्फ मॉड्यूलस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। आप समझ आई? आर्ग्यूमेंट नॉट ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर, ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय मॉड्यूलस। यही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको सिर्फ हम लोग मॉड्यूलस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं, आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं। मतलब
अगर आपके सामने कोई सा भी अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूं किसी भी तरह का, तो आप उसका मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हो, आर्गुमेंट फाइंड कर सकते हो। पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। यहाँ से इधर मेजर करोगे तो जीरो से पाई होगा, इधर से मेजर कर दो जीरो से माइनस में। हाँ, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो यहाँ से मेजर नहीं होता है, वो इधर से मेजर होता है। अभी आर्गुमेंट पढ़ें सर, जनरल आर्गुमेंट 2n पाई प्लस थीटा, जनरल आर्गुमेंट 2n पाई प्लस थीटा, ऐसा तो n पाई की और 2 पाई के बाद वैल्यू डिफरेंट होती है। जैसे मान लो यहाँ पे पाई बाय 4 है, तो नेक्स्ट वाला 2 पाई प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4 तो इधर है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो भी है या भी वो है, वेक्टर में पढ़ा है ना। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन लिखो, इसके बारे में डेप्थ में बात करेंगे। Distance from origin. Distance. For modulus. मैं आपसे पूछता हूँ, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ, इसका मॉड्यूलस बताइए, फाइंड मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल्स टू स्क्वायर बी प्लस आयोटा, इसका मॉड्यूलस कौन बताए इस कॉम्प्लेक्स कितना होगा? मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर रूट ऑफ, आपको प्लस माइनस कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ आपको ये देखना है कि इसका रियल पार्ट क्या है, उसका स्क्वायर करो, इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा का मल्टीपल क्या है वो देखो, वन है वन का स्क्वायर फोर मीन प्लस माइनस मत लिखना, क्योंकि ये डिस्टेंस है, कभी नेगेटिव नहीं होगा। वो देखिए आयोटा का स्क्वायर, आयोटा के मल्टीपल का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी क्या है बी आयोटा नहीं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ बी, इमेजिनरी पार्ट का मतलब जो भी आयोटा का मल्टीपल होता है वो, इधर आयोटा का मल्टीपल कौन है वन, उसका स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर नहीं करना। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ, इसका मॉड्यूलस बताइए, कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस टू, इसका मॉड्यूलस बताइए। रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1 माइनस 2x होल स्क्वायर, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, वो हो जाएगा x माइनस 1 मॉडुलस, ठीक है। ये है मॉडुलस, किसी को डाउट है? सबको समझ आया? यस। नेक्स्ट
आर्गुमेंट ऑफ बोथ साइड ये स्क्वायर का रूट है ना, इसलिए लगाया उसके लिए नहीं, ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉडुलस ऑफ एक्स, ये एक्स माइनस वन होल स्क्वायर फिर उसका रूट लगाया इसलिए हमने एक्स माइनस वन का होल सही बात वाइट है तो क्या येलो थे लालू मस्त तो है The argument of a complex number आर्गुमेंट फाइंड करने का टूल क्या है, कैसे फाइंड करेंगे आपको किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उसका आर्गुमेंट कैसे फाइंड करेंगे बोलिए। सबसे पहले तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपको गिवन है जेड तो उसको ए प्लस आएगा, ठीक है। फर्स्ट केस क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट केस कि दोनों पॉजिटिव, सेकंड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस दोनों नेगेटिव हो, फोर्थ केस ये है। फर्स्ट केस में वो नंबर कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है वो b होगी और ये डिस्टेंस a होगी। अब ये एंगल सही इधर, तो आप क्या करो tan अल्फा फाइंड, यहाँ पे इसको अल्फा ले, ठीक है। थीटा फाइंड कर, अल्फा होता है b और a, तो अल्फा कितना हुआ, अब आपको ध्यान क्या रखना है इधर, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू भी लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू, रियल पार्ट की और इमेजिनरी पार्ट, बी क्या है इमेजिनरी पार्ट, ए क्या है रियल पार्ट। तो अल्फा होता है टेन इनवर्स रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और रियल पार्ट ऑफ जेड, ये होता है टेन। अब इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मतलब थीटा वही होता है जो अल्फा,
आप समझ आई? यस। तो है अल्फा और एक थीटा है, सेकंड केस। कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये जो एंगल है वो अल्फा, ठीक है ना, ऐसे होगा। बताओ ये डिस्टेंस कितनी? डी। ये डिस्टेंस तो टेन अल्फा कितना हुआ? अल्फा इक्वल्स टू, लेकिन आर्ग्यूमेंट तो यहाँ से मेजर, यहाँ से मेजर होता है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मतलब थीटा, वो होगा पाई माइनस अल्फा। ये बात समझ आई? यस। जेड इज इट क्योंकि अल्फा को मैं कभी इधर से मेजर कर रहा हूँ, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन थीटा तो हमें सिर्फ इधर से ही मेजर कर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल्स टू अल्फा, वेयर अल्फा इज इनवर्स v बाय मॉडुलस। सेकंड केस इज जेड इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलू या फिर थीटा बोलू वो हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, वेयर अल्फा क्या है tan इनवर्स थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, किधर है, तो ये कितने डिस्टेंस होगी डी और ये डिस्टेंस ए, तो ये वाला अल्फा है, इस केस में क्या होगा टेन अल्फा तो बी बाय ए और अल्फा टेन इनवर्स बी बाय, ठीक है इस केस में। अब थीटा यहाँ से मेजर पाई से आगे नहीं जाए, बात समझ आई, इधर से जीरो से पाई इधर आओगे तो फिर यहाँ से मेजर हो, तो अगर मैं इस वे में देखूं तो ये पाई माइनस अल्फा है, लेकिन मैंने क्लॉकवाइज इसको मेजर किया माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, बात समझ आई। तो इस केस में थर्ड केस के अंदर जेड है वो, अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा होगा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, अल्फा क्या है वो आपको, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इस केस में अल्फा ये होगा बी बाय ए और थीटा यहां से मेजर करूंगा तो माइनस अल्फा हो जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होता है माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या थीटा वो होगा माइनस ऑफ अल्फा। ये सब प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए है, जनरल के लिए नहीं। ये पूरा पाई है, ये माइनस अल्फा, तो यहाँ से यहाँ तक पाई माइनस अल्फा होगा, लेकिन हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर किया तो आगे माइनस एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। किसी को डाउट? दोनों चीजें नहीं कर, या तो क्वाड्रेंट देख के पाई माइनस ये कर या फिर क्वाड्रेंट को छोड़ दे, तो बी और ए को माइनस कर। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है,
फर्स्ट केस, इस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में होगा कॉम्प्लेक्स, इसमें थर्ड में होगा फर्स्ट नंबर, फोर्थ में होगा कॉम्प्लेक्स। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद आपको आर्ग्यूमेंट मिलता है। अब इसके चार कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना हो, ठीक है, जेड वन, वन प्लस आयोटा जेड टू, वन माइनस आयोटा जेड थ्री, माइनस आयोटा और जेड फोर, माइनस आयोटा। इन सभी के लिए, इन चारों के लिए जो अल्फा है वो मिलेगा टेन इनवर्स वन बाय वन। अब ये बात अच्छे से समझ, इन सभी के लिए अल्फा है वो मिलेगा टेन इनवर्स वन बाय वन, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इन सभी के लिए इमेजिनरी पार्ट क्या देखो, वन माइनस वन, वन माइनस वन, लेकिन आपको सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेनी, पॉजिटिव वैल्यू, माइनस प्लस को देखना ही नहीं है। बात समझ आई? यस। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट है वो वन 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 है और रियल पार्ट भी वन 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 है। ये बात समझ आई क्या? ज्यादातर लोग यही मिस्टेक कर सकते, आपको सिर्फ उसका पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है, प्लस माइनस साइन छोड़ दो। बात समझ आई? अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ठीक है। और फिर भी याद नहीं रहे तो फिर यहाँ पे मॉडुलस लगा। अब ये कितना हो, बोलो अल्फा 45 बाय 4। यस। अब इसके लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड वन, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन अगर आपसे पूछू तो आपको क्या चेक करना है, ध्यान से देखो, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, जो अल्फा है वही थीटा। नेक्स्ट आर्गुमेंट ऑफ जेड टू, कौन से क्वाड्रेंट में है, आर्ग्यूमेंट हो गया। क्या ये समझ आया आपको? और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फोर माइनस 3/4 किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये रहा नाराजी वालों को नंबर हो जाए ना माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, तो कहाँ में दिया पाई माइनस पाई बाय फोर कितना होता है, पाई माइनस ऑफ द 14 बाय फोर, उसके आगे माइनस लगा सर आपने तो नहीं लगाया, लगाया सभी तो माइनस 3 बाय फोर हुआ, वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला थी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सी चाय पीती है, चाय नहीं पीती, वन मीटर कुछ नहीं पिया करके जाग जाएगी, तो चलेगा। अब बताइएगा आप लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट वाली बात है, हाँ लिखो, अभी तक नहीं लिखा, आर्ग्यूमेंट ऑफ फाइव, अब सर क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ फाइव जीरो जीरो जीरो, आर्गुमेंट ऑफ 5 का मतलब ये है इमेजिनरी 0 5 0 5 0 होता है, तो ये रियल एक्सिस पे होगा, यहां पे है वो पॉइंट, अगर पॉइंट रियल एक्सिस पे है तो रियल एक्सिस से कोई एंगल क्रिएट करेगा ही नहीं, तो 0
बताइएगा आर्गुमेंट ऑफ माइनस थ्री माइनस थ्री इधर होगा तो ये एंगल कितना हुआ अब बताइएगा आर्गुमेंट ऑफ टू आयोटा तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है दैट है वो प्योरली रियल है तो उसका आर्गुमेंट क्या क्या हो सकता है जीरो एंड पाई जीरो और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो आर्गुमेंट ऑफ दैट होगा जीरो या जीरो के अलावा कुछ और भी हो सकता है जीरो और फाइव बाई टू जीरो फाइव और इधर कोई वन हो जाएगा फाइव बाई टू प्लस में से मेगा जीरो और फाइव बाई टू क्या आंसर मॉड्यूलस ऑफ जेड एक डिस्टेंस है और इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ नंबर होगी डिस्टेंस क्या होता है डिस्टेंस कभी इमेजिनरी होती है कुछ ना कुछ रियल वैल्यू होगी ना वो भी पॉजिटिव डिस्टेंस नेगेटिव भी नहीं होती है तो पॉजिटिव रियल वैल्यू कहाँ होगी इधर होगी ना तो आर्गुमेंट क्या होगा और इसका आर्गुमेंट बताइए किसका आर्गुमेंट फाइंड कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट मैंने कब बोला कि जीरो प्लस जीरो मैं तो डिस्टेंस पूछ रहा हूँ डिस्टेंस जीरो का अगर टू इन डिस्टेंस है तो नहीं समझे देखो बेटा कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस का मतलब होता है ओरिजिन से डिस्टेंस ठीक है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो ये जो मॉड्यूलस है उसकी वैल्यू क्या रही रूट टू है वो प्योरली कैसी नंबर है रियल नंबर है और वो भी नेगेटिव नहीं हो सकता डिस्टेंस कभी पॉजिटिव होगा तो वो इधर ही होगा कहीं ना कहीं रूट टू
और रियल पॉजिटिव रियल एक्सिस पे कोई भी नंबर है उसका आर्गुमेंट क्या होता है? जीरो। तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड अलग चीज है, आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बाय वाई बाय टू, वो अलग चीज है। आर्गुमेंट ऑफ जेड मॉड्यूलस क्या हुआ? अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसको आयोटा से मल्टीप्लाई करते थे तो होगा जैसे 1 प्लस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करूं तो ये आएगा 1,1, ये एंगल पाई बाय 4। क्लियर? यस। नो डाउट। अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं दैट इज आयोटा इनटू 1 प्लस आयोटा, बोलो ये क्या बने? आयोटा माइनस 1। तो माइनस 1 तो इधर होगा, आयोटा इधर, पॉइंट इधर आ जाएगा। ये अब ये तो पाई बाय 4 है और ये एंगल कितना होगा? पाई बाय 4। यस। तो ये एंगल कितना होगा? 99 किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर 90 डिग्री से रोटेट हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझ आया? यस। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है, और माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। जैसे इसी को देखो, डेड डबल डैश आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो ये कितना हुआ? माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा इतना आया। ये कितना होता है? माइनस पाई बाय 4 और ये पाई बाय 4, दोनों का डिफरेंस पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट, समझ गए? तो आप मुझे बताइएगा इनको सब क्वेश्चन पूछता आपको कैसे फॉर k is greater than 0, k क्या है? greater than 0। तो मैं आपसे पूछता हूं कि argument of minus of k कितना होगा? ये तीनों argument बता रहे हैं आपको, अगर आपको ये concept समझ आया तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस के बाय। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया होता तो आर्गुमेंट ऑफ के ये कितना आता? जीरो। जीरो। किसी को डाउट? नो। माइनस के करते बाय हो जाएगा? यस। किसी को डाउट? नो। माइनस बाय बाय। ये पॉजिटिव नंबर है, इधर होगा गाइस, सो जीरो। माइनस लगा दे इधर आ जाए तो बाय। आर्गुमेंट ऑफ माइनस बाय बाय 2 माइनस बाय बाय 2 ओके। यस। किसी को डाउट? नो। ये कॉन्सेप्ट लिखेगा आयोटा से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? तो चला ही जाएगा ना 90 डिग्री, यहाँ पे था 90 डिग्री से रोटेट कर दो, इधर आ गया और ये 5 बाय 4 था, इधर आ गया 90 डिग्री, इधर आ गया माइनस, ये 5 बाय 4 ये 5 बाय 4 5 बाय 2 और पाई बाय 2 से रोटेट होता है अगर प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई एंटी क्लॉक, माइनस आयोटा को से करोगे तो क्लॉक वाइज में रोटेट। देखो देखो आप देखो,
रोटेट करने से, रोटेट करने से ये बन चलिए अब मैं आप लोगों से कुछ आर्गुमेंट पूछता हूँ। Find the sum of the argument of और जिसका लाइन का जो पॉइंट और ओरिजिन वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा क्यूब फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा क्यूब माइनस ये प्योर इवन नंबर है, पॉजिटिव इवन नंबर टू जीरो, प्योर इवन नंबर है, प्योर इवन नंबर नेगेटिव और नेगेटिव। आयोटा क्यूब को बता दिया आप लोगों ने। एक इक्वेशन है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स एंड मॉड्यूलस ऑफ एक्स कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो आपसे पूछा है आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स और मॉड्यूलस ऑफ एक्स कितना होगा जल्दी से बताइए। सर क्या क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स क्वेश्चन लिखता हूँ। आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स एंड मॉड्यूलस ऑफ एक्स कितना होगा? माइनस वन एक्स कितना होगा? प्लस माइनस आयोटा जैसे एक्स की दो वैल्यू है कौन कौन सी? एक तो एक्स है आपके पास जीरो प्लस आयोटा दूसरा है जीरो माइनस आयोटा ठीक है प्लस माइनस है ना ओके चलिए तो बताइए इसको एक्स वन और एक्स टू नाम दे देता तो आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स वन बोलो प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव बाय बाय टू एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स टू माइनस बाय बाय टू और मॉड्यूलस ऑफ एक्स वन बोलो स्क्वायर रूट ऑफ जीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर नॉट आयोटा का स्क्वायर वन और एक्स टू का भी समझ आई तो आर्ग्यूमेंट आ जाएगा प्लस माइनस पाई बाय टू एंड मॉड्यूलस वन कभी भी माइनस वन नहीं लिखना ठीक है। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ये बेसिक नहीं अभी बेसिक अगर टेम्पर नहीं पड़ता कॉन्सेप्ट।